फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं दुनिया में हर किसी का हमशक्ल मौजूद है, लेकिन जरा सोचिए वही हमशक्ल अगर आपके सामने आ जाए तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड की कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ। बॉलीवुड में अच्छा खासा मुकाम हासिल करने वाली इन अभिनेत्रियों की हमशक्ल जब इंडस्ट्री में आई तो सब हैरान रह गए। न सिर्फ चेहरे में समानता बल्कि कई हमशक्ल हसीनाओं की जिंदगी भी आपस में जुड़ी हुई नजर आई। श्रीदेवी, दिव्या भारती। श्रीदेवी की खूबसूरती की चर्चा आज भी होती है, कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ भी था। दिव्या भारती ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो एक वक्त ऐसा था जब श्रीदेवी से उनकी तुलना की जाने लगी थी। दोनों के चेहरे में इतनी समानता थी कि हर बड़ा डायरेक्टर दिव्या भारती के साथ काम करने की इच्छा रखने लगा था। दिव्या महज 9th क्लास में थी जब उनके पास फिल्मों के ऑफर आने शुरू हुए, और इसका मुख्य कारण ये था कि उनकी शक्ल श्रीदेवी से मिलती थी। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती को ही कास्ट किया गया था, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत की वजह से फिल्म में उनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया था। रीना राय, सोनाक्षी सिन्हा। साल 2010 में सलमान खान के साथ जैसे ही फिल्म दबंग से सोनाक्षी सिन्हा की झलक सामने आई, देखते ही देखते हर किसी के जहन में एक ही चेहरा एकाएक याद आ गया, और वो चेहरा था प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना राय का। सोनाक्षी का चेहरा रीना राय से इस हद तक मिलता था कि हर कोई हैरान रह गया। गुजरे जमाने की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय के बीच की प्रेम कहानी से भी हर कोई वाकिफ ही था। ऐसे में कहा जाने लगा कि सोनाक्षी सिन्हा पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी नहीं बल्कि रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। हालांकि ये कयास यहीं तक सीमित रह गए। परवीन बॉबी, जहीरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जहीरा ने अपने करियर की शुरुआत साइड रोल से शुरू की थी। 1969 में करियर की शुरुआत करने वाली जहीरा हूबहू परवीन बॉबी जैसी दिखती थी। उन्हें परवीन बॉबी का हमशक्ल कहा जाता था, लेकिन इसका फायदा जहीरा को मिला नहीं। जहीरा को जब ज्यादा काम नहीं मिला तो उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्में की। ये फिल्में हिट तो हुई लेकिन जहीरा को कुछ खास पहचान नहीं मिली। माधुरी दीक्षित, फरहीन। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म जान तेरे नाम से करने वाली एक्ट्रेस फरहीन को माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहा जाता था। साल 1994 में फरहीन अक्षय कुमार के साथ फिल्म नजर के सामने में रोमांस करती हुई नजर आई थी, लेकिन इससे पहले कि फरहीन अपने करियर की ऊंचाइयों को छू पाती, उन्होंने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से सीक्रेट मैरिज कर ली और बॉलीवुड से अलविदा कह दिया। कैटरीना कैफ, जरीन खान। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान को फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर सलमान लेकर आए थे। सलमान ने फिल्म वीर से जरीन को डेब्यू कराया था। सब जानते हैं सलमान कैटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, लेकिन जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो सलमान काफी परेशान हो गए और उन्होंने कैटरीना की हमशक्ल के रूप में जरीन को खोज लिया था। ऐश्वर्या, स्नेहा उल्लाल। ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद सलमान ने फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था लकी, नो टाइम फॉर लव। ये फिल्म 2005 में आई थी। इस फिल्म से सलमान खान ने ऐश्वर्या राय की तरह दिखने वाली एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल को लॉन्च किया था। स्नेहा को भी सलमान की ही खोज कहा जाता है। स्नेहा हूबहू ऐश्वर्या की तरह दिखती थी।